story about a kid in the dream. A story about the people just making it sing. Like, he cannot do it cause y'all don't believe. But the kid doesn't need you, cause the kid is a beast. The kid is a beast, the kid is a beast, and he's just gonna go get it. Man, it doesn't really matter cause he's been through the pain, but he's been in the pace. And he's like David, I don't need to listen, I don't need permission. I just gotta go and really do this. And I don't really need to give it now to all these people acting all stupid. Yeah, trying to tell me what I should do when I'm done with you, cause I gotta, yeah, list of things that I really, really, really wanna do. And so aaj hum ja rahe hain kahin pe, Mr. Gautam Puri, aapko batayenge hum kahan ja rahe hain exactly. एक्चुअली आज हम जा रहे हैं महात्मा गांधी मंदिर, और वहाँ पे होता है आकार एग्जीबिशन से CGPTI का एग्जीबिशन, जो इंडिया का सेकंड नंबर का एग्जीबिशन है और गुजरात का फर्स्ट नंबर का एग्जीबिशन. अभी हम रुके हैं खमन की दुकान है, छोटी चलती फिरती मोबाइल. ये खमन होता क्या भाई? ये एक्चुअल में होता है चने के लोट की आइटम होती है. चने का लोट में चने को पीस के आटा जो होता है उसको लोट के कर देते हैं. बोला कि इसलिए कहावत है, सर से पूछना कि सूरत की एक फेमस आइटम है लोचो. लोचो पता है वो कैसे जात हुआ था? किसी भाई ने कुछ बनाने की कोशिश करी, वो बना नहीं, बोला तो लोचो थे गयो. ठीक है, इसका नाम लोचा रख के लोगों को खिला दिया. तो भैया गुजरात में आओगे तो ऐसे अमेजिंग अमेजिंग खाना मिलेंगे. अब हम आ गए हैं VIP जोन में मिस्टर गौतम भैया के साथ एंड मिस्टर फौजी भी चाय मिलेगी. चाय बहुत जरूरी हमारी लाइट टिकटॉक वालों के लिए, जिनको टिकटॉक की वीडियोस बनानी है, 6000 रुपए की लाइट है. एडिटर्स के लिए और फोटोशॉप सब जो यूज करते हैं, लाइट रूम, फोटोशॉप, आप पीछे देख सकते हो हमारे दुल्हन खड़ी है, पर शादी नहीं हो रही है. वो देखो गोदम से कांच मिला रहे हैं और ये सब स्वयंवर के लिए खड़े हैं. किसका नंबर आएगा? और हमारे गौतम जी भी लाइन में लग चुके हैं. दादा ये तो हाथ भी ला के आगे. अमेजिंग लोकेशन, और वो देखना है ना, वहाँ स्टेयर से जाते हैं. सही है यार, ये लोकेशन तो बहुत सही है. आज हमने एग्जीबिशन का जो विजिट किया, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा. मेरा खैर आई एम नॉट अ सिनेमाटोग्राफर, बट कैमरे में दिलचस्पी तो रहती है मेरी, तो इट वाज गुड. लाइट्स देखने को मिली कुछ नई, एंड कैमरास के नए नए मॉडल्स जो आ रहे हैं. एक मॉडल जो है गौतम जी ने दिखाया मुझे 7,50,000 रुपीज़ का जस्ट बॉडी DSLR. तो इट वॉज़ गुड, इट्स गुड. कंपनी आती है, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आती है एंड लोगों को दिखाती है. ऑब्वियसली चाहिए, अपडेट होना चाहिए लोगों को, पुराने चीज़ों से दूर हट के नए जो चीज़ें आ रही है उस पर फोकस करके एंड उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. सो इट्स गुड, ये चीज़ें होती हैं. इट्स गुड फॉर ऑल द फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स. मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप DSLR यूज़र हो तो आपको मिररलेस में ही जाना चाहिए. मिररलेस में भी बहुत सारे कैमरा है, और स्पेशली फॉर सिनेमेटोग्राफी लोग ये सोचते हैं कि फुल फ्रेम में अच्छा काम होगा. मेरी सोच अलग है, फुल फ्रेम से अच्छा काम नहीं होता है. आपके पास क्रॉप सेंसर है, MFT सेंसर है, तो आप बेटर काम कर सकते हो, बिकॉज लाइट वेट बनता है आपका इक्विपमेंट जो है वो लाइट वेट हो जाता है. करेक्ट, या तो MFT सेंसर लो या क्रॉप सेंसर लो, फुल फ्रेम की जरूरत नहीं है. बिल्कुल सही, दैट वाज अ पीस ऑफ एडवाइस. तो आज मैं आ रहा हूँ यहाँ पे गौतम भैया के घर पे, एंड लेट मी शो यू व्हाट ही हैज, कैसे उन्होंने सेटअप किया है.
हेलो सर जी, हाउ आर यू? तो ये हैं भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप? एडिटिंग किस पे करते हो? एडिटिंग कंप्यूटर पे करता हूँ। नहीं कंप्यूटर पे करते हो, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो? प्रीमियर यूज करते हो? फाइनल कट प्रो नहीं अच्छा लगता? सॉरी फाइनल कट प्रो थोड़ा टफ है, टाइम लाइन उसकी थोड़ी मैग्नेटिक डिफिकल्ट है ना?